हेलो हेलो। हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आप सारे बच्चे कैसे हो? जल्दी से मुझे बता दो, चैट बॉक्स के अंदर कैसी आपकी प्रिपरेशन चल रही है और कितने अच्छे तरीके से आप नीट की प्रिपरेशन के लिए लग चुके हो। तो जल्दी से मुझे चैट बॉक्स के अंदर बता दो कि आप सब की पढ़ाई का लेवल कैसा चल रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो अभी टाइम आ गया ना, इस टाइम ऐसा होता है कि आपको लेजीनेस भी आएगी और साथ के साथ आपको पढ़ाई करने के बहुत सारे एक्सक्यूज़ मिल जाते हैं। सो हमें उन एक्सक्यूज़ के पीछे नहीं भागना है, तो इसलिए बिल्कुल रेडी हो जाना है, हमें एनर्जेटिक रहना है नीट की एग्जाम के लिए। सो यस, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। विद अ फुल एनर्जी टुडे वी हैव टू स्टार्ट अ वेरी अमेजिंग सेशन, क्योंकि आज के सेशन में हम डिवीजन फेज पढ़ेंगे। कल हमने इंटरफेस पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे डिवीजन फेज। तो सारे बच्चे बिल्कुल जल्दी से जल्दी ऑनलाइन आ जाएं और अपने फ्रेंड्स को बता दें दैट यस, आवर प्रिपरेशन इज गोइंग टू स्टार्ट नाउ, क्योंकि अब 11 बजने का टाइम हो गया है एंड इज द टाइम व्हेन बायोलॉजी क्लास इज लाइव नाउ। यस ओके, चलिए। बहुत बड़े रश्मि, यकूब, साकेत, भरत, मुकुंद, विक्रांत, नितेश, आरके, मीना, भारत सिंह, तुबा, आशीष गुप्ता, तबरेज, बिल्कुल बिल्कुल, माज लोहानी, गुड मॉर्निंग, अभिषेक गुप्ता, गुड मॉर्निंग। तो सबको गुड मॉर्निंग, सबको बहुत वेल विशेस, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को एक एक्स्ट्रा एज दे सको, बिकॉज यू ऑल नो कि ई करियर पॉइंट नीट चैनल पे आपके आने का मतलब है यू आर अंडरस्टैंडिंग द कंटेंट। आप अंडरस्टैंड कर रहे हो यहाँ पे कंटेंट, तो हम यहाँ पर आपके जो टाइम आप हमारे लिए देते हो 1 घंटे, इसमें हम आपको वो पूरी कंटेंट देते हैं जो आपके नीट के लिए ज़रूरत है। तो अगर आपने ई करियर पॉइंट चैनल पे रहना सीख लिया, आप इस पे वीडियोस को वॉच करते हो, तो आप इसका इफेक्ट 6 मंथ के बाद देखोगे कि हाँ, आप जब नीट के लिए अपियर करोगे, यू आर गोइंग टू एड्रेस कि येस, वी हैव इन्वेस्टेड आवर प्रॉपर टाइम, हमने अपने प्रॉपर टाइम को वहां पे इन्वेस्ट किया था, ठीक है। क्योंकि बहुत सही तरीके से आशीष इज सेइंग सर सही नहीं चल रहा है प्रिपरेशन। आशीष, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो बताओ। तबरेज, ठीक है सर, वेरी गुड, गुड मॉर्निंग, यस, बहुत बढ़िया। हम सारे बच्चे बिल्कुल बिल्कुल एकदम रेडी हो गए हैं मॉर्निंग के लिए, बिल्कुल बहुत मस्त चल रहा है। भारत सिंह सिंह, बहुत मस्त चल रहा है, बहुत बढ़िया। तो देखते हैं, सारे बच्चों को एक बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन करनी है ना, तो यहाँ पर जितने भी बच्चे जुड़ते हैं उनके लिए एक ही मोटिव होना चाहिए कि सर, वी हैव टू स्टडी इन सच अ मैनर कि नीट की अगर क्वेश्चन आ गई तो वो मुझसे बनेगा ही बनेगा। अगर वो मुझसे नहीं बन पाया ना, तो फिर वो इसका मतलब है कि वो किसी से नहीं बन रहा होगा, क्योंकि सिलेबस हमें डिफाइंड पता है कि एनसीईआरटी पूछी जाती है, तो एनसीईआरटी अगर मैंने याद कर लिया है तो फिर वो मेरे से बनेगा ही बनेगा। दिस डिटर्मिनेशन आई वॉन्ट फ्रॉम यू ऑल, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। यस आशीष इज आस्किंग सर पीडीएफ नहीं मिल रहा है। देखो, पीडीएफ के लिए मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, पीडीएफ के लिए ई करियर पॉइंट लर्निंग ऐप को डाउनलोड करो। उसको डाउनलोड करने के बाद मेडिकल कोर्सेज सर्च करो और मेडिकल कोर्सेज में चले जाओ आप, फ्री स्टफ्स में, फ्री स्टफ्स में पीडीएफ मौजूद है। मोबाइल से अगर डाउनलोड नहीं हो पा रहा है तो लैपटॉप या पीसी का हेल्प लो और वहां से डाउनलोड कर लो। ये थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए। यस, तो जल्दी से बच्चे अगर सेशन में आ गए हो, इफ़ यू एंजॉय माई सेशन, आपको ऐसा लगता है कि हाँ, सेशन में मज़ा आता है, चीज़ें सीखते हैं, तो सेशन में लाइक ज़रूर किया करो और सेशन को शेयर ज़रूर किया करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स सेशन का फ़ायदा उठा सके और वो भी प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। सो नाउ लेट्स कमिंग टू द टॉपिक, आते हैं, पहुंचते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये लेक्चर नंबर 3 चल रहा है, लेक्चर नंबर 2 हमने बात कर रखा था, लेक्चर नंबर 3, और लेक्चर नंबर 3 में हम बात आज करेंगे डिवीजन फेज की। आप सबको याद है कि सेल साइकिल के अंदर 2 फेजेस होते हैं, एक तो इंटरफेज होता है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये एक रेस्टिंग फेज है जिसमें सेल की डिवीजन नहीं हो रही है, पर मेटाबॉलिकली ये सबसे ज्यादा एक्टिव फेज होता है, ठीक है। जहां पे हमने देखा था कि इंटरफेज के अंदर कौन कौन से स्टेजेस थे, सबसे पहले G1 स्टेज आया था, फिर S स्टेज आया था, फिर G2 स्टेज आया था। अब G2 के बाद क्या आएगा? डिवीजन फेज आएगा, यानी कि M फेज आएगा, और आज हमें उन्हीं टॉपिक्स पे बात करना है। पर याद करो, कल के क्लास में आपको मैंने बोला था कि मैं आपको कुछ चेक पॉइंट्स बताऊंगा,
मैं आपको कुछ चेक पॉइंट्स बताऊंगा, ये चेक पॉइंट्स क्या होते हैं इसके ऊपर आज हम बात करेंगे एंड देन वी विल कम टू द डिवीजन फेज। तो आज की क्लास में हमें ये छोटी छोटी बातें हैं जो कि करनी है और बहुत मजेदार तरीके से करनी है, पूरी कंटेंट आज पढ़ाई करके जानी है ताकि क्या हो कि यहां से जाने के बाद आपका सिलेबस कंप्लीट रहे। यस, थैंक यू फॉर दैट राजीव। चलिए तो शुरू करते हैं। तो उससे पहले आप सभी को पता है कि ई करियर पॉइंट लर्निंग ऐप पे आपको कोर्सेज मिलते हैं। देखो कोर्सेज का फायदा ये होता कि आप यहाँ पर पढ़ते हो तो यहाँ पर भी चीजें आपको पढ़ाई जा रही हैं, और जब आप कोर्सेज परचेस करते हो तो एक रेगुलर मैनर में, एक स्ट्रेटेजिक मैनर में आपको चीजें मिलती है, टेस्ट सीरीज के साथ मिलती हैं, तो आपकी प्रिपरेशन का एक एक्स्ट्रा एज मिल जाता है। तो वहां से अगर आप कोर्सेज परचेस करते हो या आप किसी को रिकमेंड करते हो कोर्स परचेस करने के लिए, तो यू कैन रिकमेंड देम टू परचेस द कोर्स। बहुत नॉमिनल फीस हम चार्ज कर रहे हैं आपसे, और उसके साथ आपको डिस्काउंट भी दे रहे हैं अगर आप इस कूपन कोड का यूज करते हो, दैट इज दी RK10। RK10 लगाओ और 10% आपको वहां पर मिल जाता है आपको डिस्काउंट। तो आप ये काम अगर करते हो तो यू कैन गेट द डिस्काउंट एज वेल। चलिए, वेरी गुड। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन नाउ। बिल्कुल रेडी हो जाओ सारे बच्चे, बिल्कुल रेडी हो जाओ सारे बच्चों का। बिल्कुल ये थम्स अप का साइन जो हमारी एक प्री रिक्वेस्ट होती है वो मुझे मिल जानी चाहिए कि यस सर वी आर रेडी। हमारे में आज जो एनर्जी है वो बहुत ही हाई है, ताकि आज जो हम पढ़ाई करेंगे वो आज के आज खत्म करेंगे। जो क्वेश्चन का पिटारा आएगा उसके अंदर आज सारे क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही करके जाएंगे। सारे बच्चे बिल्कुल थम्स अप का साइन आ जाना चाहिए मेरे को। यस, जल्दी से बता दो। और आपस में कोई आज बातें नहीं करेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे और जो चीजें मैं पूछूंगा वो आप बताओगे। बहुत बढ़िया, वेव आ गया आप सभी का, थम्स अप का साइन का बहुत सारे। ओके, राजीव इज सेंडिंग लॉट्स ऑफ हार्ट्स टू मी, थैंक यू फॉर दैट राजीव। वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल जल्दी से जल्दी बता दें, है ना, जल्दी से। ओके, जो लोग यहाँ सब्जियां बेच रहे हैं वो सब्जियां सब्जी मत बेचो, ये प्लेटफॉर्म सब्जी बेचने वाला नहीं है, तो सब्जी बेचना बंद कर दे वो, ठीक है। बाकी सारे बच्चे बिल्कुल बहुत बढ़िया, सर बहुत बढ़िया, सारे बच्चे बिल्कुल रेडी हो गए। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ओके, यस, गुड मॉर्निंग नादिर। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज करेंगे, चेक पॉइंट्स पे बात करेंगे। एनसीईआरटी के अंदर चेक पॉइंट्स की डिस्कशन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं चेक पॉइंट्स आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना चेक पॉइंट्स को समझे हुए सेल साइकिल नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो देखो बहुत ध्यान से समझना, बहुत तरीके से समझना, जो मैं बातें आपको समझा रहा हूं उनको ध्यान से समझने की कोशिश करना। आप एक बात बताओ, अगर आप अपनी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऐसा तो होता नहीं है कि सिर्फ लेक्चर देखा और आप वहां पे पेपर में पहुंच गए और पेपर में आप पहुंच गए और आपका सिलेक्शन हो जाए, नहीं। क्योंकि आपको पता है कि सिर्फ लेक्चर देखने से और किताबें पढ़ लेने से सिलेक्शन नहीं होगा, हमें रेगुलरली अपने आप को चेक करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि कितना कुछ हम पढ़ रहे हैं। जैसे शाम की जो मैं बैच लेता हूँ 8 से 9 के टाइम में, जहाँ पे मैं चैप्टर्स के MCQ कराता हूँ, वहाँ पे आप सबको पता है कि वहाँ पे मैं आपकी एनालिसिस करवा देता हूँ कि देखो ये चैप्टर आपने पढ़ लिया होगा, कहीं ना कहीं से तो पढ़ा ही होगा आपने ये चैप्टर को। लेकिन जब आप MCQ में आते हो तो बहुत सारी छोटी छोटी गलतियाँ आप करते हो, तो वो जो छोटी गलतियाँ आपकी होती है वो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रही है, चेक हो रही है, यानी वो आपका चेक पॉइंट्स है। अब क्या होगा कि जो बच्चे इस चेक पॉइंट से निकल जाएंगे, यानी जिनको ऐसा लगेगा कि यार मैंने तो आज सर ने 25 क्वेश्चन करवाए थे, 25 मैंने कर लिया, यानी कि चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया, वो दूसरे चैप्टर में मूव कर जाएंगे। लेकिन जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी लगेगा कि हाँ ये दिक्कत है, यहाँ पे हमने नहीं पढ़ा था, यहाँ पे सर ने जो कॉन्सेप्ट बताया उसकी वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हमने गलत पढ़ रखा था, या फिर हमारा कॉन्सेप्ट अभी ढीला है, तो आप दोबारा उसको रिवाइज करते हो। और कुछ बच्चे होते हैं जिनका बिल्कुल ही वो प्रिपेयर नहीं, तो वो उसको प्रॉपर प्रिपेयर करने जाते हैं। और कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो ये सोच के बैठ जाता है कि मेरे से तो अब ये नहीं हो पाएगा, तो वो चैप्टर बंद कर देते हैं, किताबें बंद कर देते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो ये सब कुछ जो आप कर रहे हो वो क्यों कर रहे हो, बिकॉज ऑफ द चेक पॉइंट। आप जो एनालिसिस करते हो उस एनालिसिस की वजह से करते हो। तो जब आप एक अपने किसी भी इवेंट के लिए चेक पॉइंट्स लगाते हो तो आपका सेल तो काफी कॉम्प्लेक्स काम कर रहा है, सेल डिवाइड कर रहा है, सेल की ग्रोथ हो रही है, तो सेल भी अपने लिए साइकिल के दौरान चेक पॉइंट्स लगाते हैं। अब ये चेक पॉइंट्स दो जगहों पे मौजूद होता है, उन दोनों ही जगहों को हमें याद रखना है कि कहां कहां पे चेक पॉइंट्स मौजूद है। तो बहुत ही शानदार तरीके से चीजें समझते हुए चलेंगे, है ना। तो बहुत आराम से समझो और चीजों को बिल्कुल इतने मजे से क्लियर आज करना है कि मजा आ जाए कि आज तो हमने जो पढ़ा और उससे अब क्वेश्चन आने दो, सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। चेक पॉइंट्स की बात करें तो एक चेक पॉइंट होता है जो कि जीवन चेक पॉइंट कहलाता है। कहां पे मौजूद होता है, जीवन और एस पे मौजूद होता है। जैसे अगर मैं सेल साइकिल बनाऊं तो आप सभी को पता है कि सेल साइकिल के अंदर सबसे पहला आपको स्टेज पता है, दैट इज द जीवन, फिर क्या आया था, एस फेज आया था, फिर क्या आया था, G2 फेज आया था, और फिर M फेज आया था। तो इस तरीके से जो फेजेस आए थे, ठीक है, इसके अंदर जो जीवन फेज है और एस फेज है, इनके बीच में एक चेक पॉइंट बनेगा, इनके बीच में एक चेक पॉइंट बनेगा।
और वो जो चेक पॉइंट है इसी को हम कह रहे हैं जीवन चेक पॉइंट। ध्यान रखना, जीवन चेक पॉइंट कहां पे मौजूद है, जीवन और एस के बीच में मौजूद है जीवन चेक पॉइंट। अब क्या होगा, आप सभी को याद हो तो मैंने बताया था जीवन में होता क्या है, जीवन में प्रोटीन और आरएनए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, सेल मैक्सिमम ग्रो कर रहा है उस दौरान, ठीक है। तो जब सेल वहां पे मैक्सिमम ग्रो करता है तो चेक पॉइंट पर ये चेक किया जाता है कि क्या सेल का साइज एप्रोप्रिएट है, क्या उसे डिवाइड करने की जरूरत है। तो चेक पॉइंट पहला क्या चेक करेगा, क्या सेल को डिवाइड करने की जरूरत है, ये पहला पॉइंट वो चेक करेगा। दूसरा वो चेक करेगा कि क्या सेल के पास सफिशियंट न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या सेल के पास इतने न्यूट्रिएंट्स हैं कि आगे जब वो डिवीजन करेगा, क्योंकि एक बात बायो के आप स्टूडेंट हो तो आपको ये जानना जरूरी है कि जिस चीज का ग्रोथ हो रहा है, जो डिवाइड करने जाएंगे, उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत हाई होती है। अब अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी बहुत हाई है तो उसे एनर्जी भी ज्यादा चाहिए, और एनर्जी किस में मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में मिलेगा। तो यहां पर सेल को चेक करना पड़ेगा कि चेक पॉइंट पे कि सेल की साइज प्रॉपर है, क्या उसके पास प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स है आगे डिवीजन कराने के लिए, क्या उसके पास जो ग्रोथ फैक्टर्स रिक्वायर्ड है वो है या नहीं है, और क्या किसी तरह का कोई डीएनए डैमेज है। समझना इस बात को, जीवन में डीएनए होता है तभी तो जाके एस फेज में डुप्लीकेट कर जाता है ना। तो जीवन में हमें पता है कि डीएनए है, जैसे 2C कंटेंट है, और जब वो एस फेज में चला जाता है तो एस फेज में हमें पता है कि 2C जो है वो 4C कंटेंट में बदल जाता है, डबल हो जाता है। याद आ गया लास्ट की क्लास की बात, ठीक है। तो यानी कि जो जीवन में डीएनए है क्या उसमें किसी तरह का कोई डैमेज है, अगर कुछ डैमेज है तो फिर वो चेक होगा, है ना। अब समझना इस बात को, चेक पॉइंट पे क्या होगा, चेक पॉइंट पे क्या होगा कि अगर इनमें से कोई भी एक फैक्टर वहां पे फुलफिल नहीं हो पा रहा है, यानी सेल का साइज प्रॉपर नहीं है, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं है, ग्रोथ फैक्टर्स एब्सेंट है, या फिर डीएनए में कोई डैमेज हो गया है, तो फिर वहां पर सेल जीवन के अंदर ही अरेस्ट हो जाएगा, जीवन के अंदर ही रुक जाएगा, वो आगे एस फेज में नहीं जाएगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि अगर वो एस फेज में चला गया, एक बार अगर सेल चला गया, मान लो कोई डैमेज्ड सेल था, कोई डैमेज सेल था, जीवन के चेक पॉइंट के पास आया तो उसमें डैमेज दिखा, डिटेक्ट हुआ, पर स्टिल क्या हुआ कि चेक पॉइंट उसको रोक नहीं पाया और वो एस फेज में चला गया। तो ये बात याद रख लेना, एक बार अगर सेल एस फेज में आ गया है तो फिर वो पूरी साइकिल में जाएगा ही जाएगा, यानी सेल की डिवीजन होना ही होना है, कमिटेड हो जाएगा वो डिवाइड करने के लिए, ठीक है। उस कंडीशन में डिफेक्टेड सेल्स आपके डिवाइड करने लगेंगे एंड इट कैन कॉज कैंसर इन योर बॉडी, ये कैंसर कॉज कर सकता है। बात इस बात को समझने की जरूरत है, आपको ये बातें बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाना चाहिए। समझ में आ रहा है? साकेत कह रहा है सर डीएनए तो बनता ही है एस फेज में, तो पहले डैमेज कैसे, देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसलिए तो आपको बताया ना कि जीवन फेज में भी डीएनए है, एस फेज में डीएनए बन नहीं रहा, डीएनए रेप्लिकेट कर रहा है, वहां पर डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है, यानी अमाउंट डबल हो रहा है। तो जो डीएनए वहां मौजूद है उसको आगे जब जाना है तो वहां पर उसको चेक तो करेंगे ना, कि आके चेक करना तो बनता है, क्योंकि अगर हम चेक नहीं करेंगे उसको, वो आगे चला गया तो डीएनए में अगर कोई डैमेज रह गया तो वो आगे चल के डुप्लीकेट भी तो डबल कर जाएगा, यानी डबल डुप्लीकेशन हो जाएगी। तो ये हमारे बॉडी के लिए या किसी भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के लिए क्या हो जाएगा, खतरनाक हो सकता है। दैट्स वाई चेक पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी में नहीं है फिर भी पढ़ा रहा हूँ, ताकि आपको ना ये सेल साइकिल ऐसा समझ में आ जाए कि आप किसी को बता सको कि देखो हमारी बॉडी में कितना खतरनाक प्रोसेस चलता है। मतलब हम ऊपर से तो बिल्कुल सिंपल से लगते हैं, पर अंदर बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी है हमारी बॉडी के अंदर, और ये कॉम्प्लेक्सिटी आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो समझना इस बात को, मैं यही कह रहा कि जीवन से जब एस फेज में आ रहा है तो बीच में चेक पॉइंट लगा हुआ है जो उसको चेक करेगा। आप भी जैसे एक शहर से दूसरे देश में जाते हो, एक देश से दूसरे देश में जाते हो, या एक शहर से दूसरे, तो बॉर्डर, जब आप एक बॉर्डर को क्रॉस करते हो तो बॉर्डर पे आपको चेक किया जाता है ना। क्यों बॉर्डर पे आपको चेक किया जा रहा है, ताकि वो आपको ये चेक करे कहीं आप एक देश का कोई सामान चोरी करके तो नहीं दूसरे देश में चले जा रहे हो, तो वो आपको चेक करते हैं, क्योंकि अगर आप चोरी करके चले जाओगे तो उनके रिसोर्सेज चोरी हो रहे हैं। तो चेक पॉइंट्स लगाए क्यों जाते हैं, ताकि किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो, ठीक है। तो चेक पॉइंट बताया वो ध्यान से समझना, जीवन में क्या चेक, जीवन और एस के पास जो चेक पॉइंट मौजूद है, यानी जिसको हम जीवन चेक पॉइंट कह रहे हैं, उनमें क्या चेक होता है, सेल साइज चेक होता है और डीएनए डैमेज होता है। अगर इनमें से कोई भी फैक्टर मिसिंग है तो सेल अरेस्ट हो जाएगा जीवन में, वो आगे नहीं जाएगा, यानी कि सेल की डिवीजन रुकेगी वहां पर, ठीक है। लेकिन अगर ये चारों फैक्टर्स वहां पे प्रॉपर तरीके से मौजूद है, यानी डीएनए में कोई डैमेज नहीं है, ग्रोथ फैक्टर्स प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट सफिशियंट है, और सेल साइज इनफ है जो कि डिवाइड होना चाहिए, जब ये सारी चीजें वहां पर मिल जाएंगी तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, तब चेक पॉइंट उसको पास होने देगा, आगे बढ़ेगा, वो एम फेज में चला जाएगा और डिवाइड करेगा। अब
ध्यान रखने वाली बात यह है कि वंस द सेल पासिस द जीवन, एक बार सेल जब जीवन को पास कर जाएगा तो इट इज कमिटेड टू डिवाइड, यानी जीवन से अगर सेल पास कर गया, चेक पॉइंट को क्रॉस कर गया, तो उसको डिवाइड करना ही करना है, ये बिल्कुल कमिटमेंट हो जाएगी वहां पे, है ना। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि वो वहां पर कमिटेड हो जाएगा कि इसको आगे जाना ही जाना होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसको याद रखना कि वहां पर आप जब भी किसी को बताना तो ऐसे बता देना कि देखो जीवन में अगर सेल के अंदर अगर किसी तरह का कोई एबनॉर्मैलिटी है तो उसको जीवन में ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि वो जीवन एस चेक पॉइंट जो है उसको रोक देगा, ठीक है। मैक्सिमम केसेस में हमारी बॉडी में यही होता है, नॉर्मल कंडीशन हमारी बॉडी का यही होता है कि वो रोक देता है, लेकिन अगर कभी ऐसा हो कि चेक पॉइंट प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है तो ये सेल आगे एस में चले जाएंगे। अगर ये एस में चला गया तो ये वापस रुकेगा नहीं, अब ये चलता चलेगा और जाकर के ये क्या करेगा, जाके एम फेज में डिवाइड कर जाएगा और यहां पर प्रॉब्लम हमारी बॉडी को होगी, कैंसेरियस कंडीशन डेवलप होने लगेगा, सेल डैमेज स्टार्ट हो जाएगा और वहां पे आपकी बॉडी को भी खतरा होगा और जान भी जाने के खतरे बन जाते हैं। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए सेल डिवीजन चैप्टर जो है ना वो एक ऐसा चैप्टर है ना जो कि नीट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही सही, हमारे लिए अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसे मैं नहीं समझूंगा, इसको क्लियर नहीं रखेंगे तो बहुत दिक्कत होगा, बहुत प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत ध्यान समझना है, बहुत क्लियरिटी के साथ समझना है और मज़े से समझना है, ठीक है। समझ में आ गया तो जल्दी से बता दो मुझे थम्सअप के साइन के साथ कि यस सर वी हैव गॉट द आंसर, ओके यस, ओके विदय यू आर इन क्लास फॉर गुड। तो जल्दी से बता दो कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, यस, हाँ जल्दी बता दें कि ये यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया, यानी कि जीवन फेज क्लियर हो गया। जीवन फेज ना बिल्कुल वो सलमान खान की डायलॉग की तरह है कि एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं किसी की नहीं सुनता, मतलब कंडीशन ये है कि एक बार वो जीवन से एस में चला गया तो वो वापस नहीं लौटेगा, उसने कमिट कर लिया कि अब मैं जीवन से एस में चला गया हूं तो मुझे साइकिल में रन होने दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है, वेरी गुड, सबको क्रिस्टल क्लियर है, गुड। तो जीवन ये वाला जो आपका चेक पॉइंट था ये आपने क्लियर कर लिया, चेक कि इसके अंदर क्या होता है, ये लाइन याद जरूर रखना कि एक बार अगर जीवन को पास कर गया तो फिर वो एंटर कर जाएगा एस फेज में, इट बिकम्स इररिवर्सिबली कमिटेड टू डिवाइज या डिवीजन, यानी कि अब उसको डिवीजन करना ही करना पड़ेगा। चलिए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सबको समझ में आ गया, गुड गोइंग, मूव करते हैं नेक्स्ट पे। देखो यही सेल साइकिल आपके थी, तो जीवन और एस के बीच में जो चेक पॉइंट लगा, यहां पर आप मार्क कर लेना अपनी एनसीईआरटी के अंदर, जीवन और एस के बीच में जो चेक पॉइंट है, दिस इज द जीवन चेक पॉइंट, दिस इज द जीवन चेक पॉइंट, और जीवन चेक पॉइंट में चेक क्या क्या हो रहा है, सेल की साइज हो रही है, न्यूट्रिएंट्स हो रहे हैं, ग्रोथ फैक्टर हो रहे हैं, और किसी तरह का अगर कोई डीएनए डैमेज है तो वो भी चेक होगा। अब जो दूसरा चेक पॉइंट बनेगा वो बनेगा G2 और M के बीच में, G2 और M के बीच में, यानी कि जीवन में जो सेल था उसको चेक पॉइंट इसमें गुजरना होगा, अगर वो ठीक है नॉर्मल है तो आगे बढ़ जाएगा एस फेज में आ जाएगा, एस फेज से वो चला जाएगा G2 में, फिर से G2 के पास आते हुए फिर एक बार चेक किया जाएगा, जैसे आप भी टेस्ट देते हो, पहले टॉपिक वाइज टेस्ट देते हो, फिर हाफ सिलेबस देते हो, फिर फुल सिलेबस देते हो, तो ये जो चेक पॉइंट्स आप भी लगाते हो अपने प्रिपरेशन के लिए, उसी तरीके से सेल भी दो दो बार अपने आप को चेक करता है डिवीजन में जाने से पहले। जीवन में तो चेक कर ही लिया, नॉर्मल सेल था, कोई दिक्कत नहीं थी, एस में आ गया है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, G2 में आया, G2 में फिर से उसको चेक किया जाएगा, और जब वो G2 में आएगा तो उसको चेक किया जाएगा, तो उसको हम कहेंगे G2 चेक पॉइंट, जो कहां पे मौजूद है, G2 और M के ट्रांजिशन के बीच में मौजूद है। तो इसलिए मैंने कहा ये G2 है और ये M फेज है आपका, तो इस G2 और M फेज के बीच में ये चेक पॉइंट मौजूद होगा। तो दो चेक पॉइंट कहां कहां पे, एक तो जीवन और एस के बीच में और दूसरा G2 और M के बीच में, क्लियर हो गया ये पॉइंट सबको। चलिए तो G2 चेक पॉइंट में क्या हो रहा है कि ये क्या चेक करता है, ये डीएनए डैमेज को चेक करता है और डीएनए के रेप्लिकेशन को चेक करता है। देखो एस फेज में क्या हो गया था, डीएनए रेप्लिकेट कर गया था, तो G2 फेज में आने के बाद वो रेप्लिकेटेड डीएनए है, तो वो वहां पर चेक करता है कि क्या रेप्लिकेशन के दौरान किसी तरह का कोई मिस्टेक हो गया क्या, क्या डीएनए में रेप्लिकेशन के दौरान कोई डैमेज आ गया क्या, अगर डीएनए में कोई डैमेज है या डीएनए के रेप्लिकेशन में कोई प्रॉब्लम हो गई, यानी इनकम्प्लीट रेप्लिकेशन है या फिर रेप्लिकेशन सही तरीके से नहीं हो पाया है, तो उसे फिर रोकना पड़ेगा, उसे फिर रोकना पड़ेगा G2 के अंदर, और G2 में रोक करके वहां पर उसकी रिपेयरिंग की जाएगी, उसको रिपेयर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि आगे उस सेल को डिवाइड होना ही होना है, क्योंकि याद करो मैंने कह दिया था कि जीवन से जब एस में कोई सेल आ गया तो उसको डिवाइड होना ही होना है, लेकिन G2 उसमें रिपेयर करने की कोशिश करेगा, उसको रिपेयर करेगा, ये बात ध्यान रखना आप सभी, G2 क्या करेगा, उसको रिपेयर करने की कोशिश करेगा। तो मान लो कि क्या हुआ कि जीवन से कोई नॉर्मल सेल था, वो नॉर्मल सेल चेक पॉइंट को क्रॉस कर गया, एस में आ गया, क्योंकि नॉर्मल था, सही था सारा कुछ, तो एस में आ गया।
अब एस में उसकी रेप्लीकेशन होनी है, एस में उसकी रेप्लीकेशन के दौरान कुछ मिस्टेक हो गया, हो सकते हैं मिस्टेक हो गया, अगर कुछ मिस्टेक हो गया तो G2 से जब वो M में जाने लगेगा तो G2 में उसको रोक करके ये देखा जाएगा कि क्या आप में कोई मिस्टेक है डीएनए के रेप्लिकेशन में। अगर उसमें मिस्टेक है तो उसको वहां पे रिपेयर करना पड़ेगा। अगर रिपेयर हो गया तब तो बहुत अच्छा, तब तो वो M की तरफ मूव कर जाएगा। लेकिन अगर रिपेयर नहीं हो पाया, अगर वो रिपेयर नहीं हो पाया तो फिर उसको G2 फेज में रिपेयर अगर वो नहीं हो पाता है तो उसको क्या कराना पड़ेगा, प्रोग्राम्ड सेल डेथ कराना पड़ेगा। यानी अगर सेल G2 में इररिपेयरेबल है, यानी उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता है, तो उस कंडीशन में सेल उसको खुद ही मार देगा वैसे सेल को। क्यों? क्योंकि अगर वो जिंदा रह गया तो वो आगे चला जाएगा एम फेज में और डिवीजन करके अपने पॉपुलेशन को बढ़ाने लग जाएगा, तो हमारी बॉडी में डैमेज सेल्स के नंबर बढ़ जाएंगे। तो वो क्या करेगा, G2 में ही उसको प्रोग्राम सेल डेथ कर देगा, यानी खुद से उसको मार देगा। इसी प्रोसेस को हम कहते क्या है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं एपोप्टोसिस। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, एपोप्टोसिस। तो ये याद रखना, एपोप्टोसिस इज व्हाट, इट इज अ प्रोग्राम्ड सेल डेथ। तो कभी बहुत बार नाम आप सुनते हो प्रोग्राम्ड सेल डेथ के बारे में, कि सेल खुद ही अपने सेल को मारता है। ठीक है, तो किस सेल को मारता है, जो डैमेज सेल है उनको मारता है। तो ये क्या होता है, ये यहाँ पे आप एपोप्टोसिस से समझते हो। तो मेरे ख्याल से ये वाला पॉइंट भी आपको क्लियर हो गया कि कैसे ये G2 फेज में चेक होता है। यस, हर गैप फेज के बाद चेक पॉइंट है, मतलब हर प्रिपरेशन के बाद टेस्ट। यस करेक्ट विक्रांत, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। और मैंने तो आपको बहुत पहले कह रखा है कि सेल साइकिल चैप्टर को समझना है ना, तो खुद के नीट के प्रिपरेशन से इसको सोच लो कि जैसे जैसे आप नीट की प्रिपरेशन के दौरान जो जो इफेक्ट इवेंट्स लगाते हो ना, वही सारी चीजें यहां पर भी हो रही हैं। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल क्लियर हो गया, सबको समझ में आ गया कि किस तरीके से ये G1 चेक पॉइंट और G2 चेक पॉइंट काम करता है और किस तरीके से प्रोग्राम सेल डेथ हो जाती है। अब अगर सेल G2 चेक पॉइंट में आया है और वो ठीक है, डीएनए की रेप्लिकेशन उसमें ठीक हुई है, डीएनए भी वहां पे सही कंटेंट में है, तो क्या होगा, G2 से वो M में चला जाएगा। नॉर्मली वो जाएगा M में और M में डिवीजन करेगा। तो हम तो क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल सेल डिवीजन पढ़ रहे हैं, तो हमें ये मान के चलना होगा कि G1 में जो सेल था वो नॉर्मल था, G1 चेक पॉइंट को वो क्रॉस कर गया, S में आ गया, S में उसकी डीएनए डबल हो गई, S में डीएनए डबल है, G2 में भी उसकी डीएनए क्या रहेगी, डबल रहेगी, क्योंकि G2 के बाद वो M में जाएगा, अगेन यहाँ पे चेक होगा तो उसे डीएनए की रेप्लिकेशन हो रखी है प्रॉपर तरीके से। अब वो आगे जाएगा एम फेज में पहुंचेगा, M फेज में जब पहुंचेगा तो अब उसको डिवीजन करना है। अब ये M फेज में क्या कहानी होती है वो अब हमारी टॉपिक है। तो मेरे ख्याल से इंटरफेस और चेक पॉइंट, ये दो टॉपिक तो अब आपके बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, सेल साइकिल हम लोगों को भी बहुत कुछ सिखाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका जो सेल है वो आपकी बॉडी का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आपको तो बहुत कुछ वो सिखा ही रहा है। यहां तक चीजें क्लियर हो गई, चीजें याद हो जानी चाहिए, है ना। तो अब हम एम फेज की तरफ मूव करेंगे, अब हमारा काम है एम फेज में जाना। तो एम फेज के लिए रेडी हो सभी, है ना, क्योंकि ये सबसे ड्रामेटिक फेज है। इंटरफेज तो रेस्टिंग फेज था जहां पे मेटाबॉलिक एक्टिविटी सबसे हाई थी, मान लिया हमने, लेकिन अब ड्रामेटिक फेज की तरफ जा रहे हैं, यानी ड्रामा से भरा हुआ जो फेज है, यहां पे एक्चुअल में अब डिवीजन होगा। यस, डिवीजन करा दिया जाए सर, डैमेज सेल कहां जाएंगे? नित्या, डैमेज सेल के बारे में मैंने बताया कि जो सेल डैमेज है उनको सेल खुद ही उसको मार देगी, जिसको हम कह रहे हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ, दैट इज द एपोप्टोसिस। ठीक है, तो वो प्रोग्राम्ड सेल डेथ की वजह से वो वहां पे मार दिए जाएंगे। चलिए, हाँ बिल्कुल, सबके सब रेडी हैं, सेल को डिवाइड करा दे, सेल को डिवीजन के लिए सब रेडी हैं। यस, वेरी गुड, सबके सब अब रेडी हो गए हैं, चीजें यहां तक समझ में आ गई हैं। बिल्कुल, देखो इस चैप्टर को ऐसा क्लियर करना है ना कि किसी तरह का कोई डाउट रहे नहीं। नीट के अंदर क्वेश्चन आने तो दो आप सब। ओके, चलिए साइड हो जाते हैं, स्क्रीनशॉट लेना, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके, यस, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि फिर आगे बढ़े, मूव करें। यस, पलक इज सेइंग यस सर, डिवीजन करा दिया, बिल्कुल डिवीजन कराते हैं, तुरंत कराते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट आप ले लो, उसके बाद अब करते हैं टॉपिक पे आगे। चलिए, थैंक यू फॉर दैट। ओके, तो जो बच्चे सेशन में आ चुके हैं, यहां तक चीजें पढ़ाई, आपको लगा कि हाँ आपके लिए कंटेंट बहुत ही शानदार दिया गया, आपको एक्सप्लेन अच्छा किया गया, तो फिर सेशन को लाइक करने में कंजूसी मत करो, क्योंकि आपकी लाइक हमारे लिए एनर्जी बूस्टर होती है। एक बार अगर हमें एनर्जी प्रॉपर मिलेगा तभी तो हम आपको रिफ्लेक्ट कर पाएंगे, हम आपको बेटर और एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि एनर्जी आपको पता है ना कि अगर एक खाली स्टेडियम में किसी क्रिकेटर को या किसी प्लेयर को खेलने के लिए बोल दो तो वो अपनी एफिशिएंसी फुल नहीं दिखा पाता है। क्यों? क्योंकि उसको वो सपोर्ट नहीं मिलता है। तो सेम हैपेंस विद अस, कि हम जब किसी चीज़ को यहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं तो हमारे सामने कोई भी अभी यहाँ पे मौजूद नहीं होते हैं, तो हमें वो रिफ्लेक्शन कहाँ से मिलेगी, वो एनर्जी बूस्टर कहाँ से मिलेगी? दैट विल बी कमिंग ओनली बाय द लाइक्स विच यू आर गोइंग टू गिव। तो वो लाइक्स हमें जरूर चाहिए। यस, बिल्कुल, ओके।
थैंक यू। बिल्कुल याद कर लेना यार, मैंने कह दिया ही है कि सेशन करने का मतलब, ये 1 घंटे बैठे क्यों हैं? ये 1 घंटे बैठे इसलिए ताकि सिर्फ गाने वगैरह नहीं सुने, हम इसलिए बैठे हैं इस सेशन में कि हम याद करके जाएं, क्योंकि गानों के लिए तो बहुत सारे चैनल है जिसपे हम सुन लेते हैं, तो यहाँ पे हमें कंटेंट याद करना है। दैट इज वॉट ई करियर पॉइंट वॉन्ट्स टू डिलीवर यू ऑल, कंटेंट एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, जो कोटा की रेप्लिका है, यानी डायरेक्ट फ्रॉम कोटा अगर हम कोई चीज डिलीवर कर रहे हैं तो हमारा मोटिव बस इतना है कि आपको वो चीजें प्रोवाइड कर दे जिससे नीट में जब आप बैठो तो आप ये मत कहो कि यार मैं इतनी टाइम बर्बाद कर दी, कुछ सीखा ही नहीं। आप बल्कि जब नीट में बैठो तो जब क्वेश्चन आप टिक करो तो दिमाग अंदर से एक बात निकलनी चाहिए कि यार उस सर का जब मैंने 1 घंटे क्लास करता था ना, तो उनकी वजह से आज ये क्वेश्चन तो बन रहा है। दैट इज वॉट वी ऑल वॉन्ट। ठीक है, चलिए क्लियर है, मूव करते हैं नेक्स्ट पे। देखो अब आ जाता है आपका डिवीजन फेज। डिवीजन फेज याद रखना, ये सबसे ड्रामेटिक फेज है। इसको एनसीईआरटी भी क्या लिखती है कि इट इज द मोस्ट ड्रामेटिक फेज, इट इज द मोस्ट ड्रामेटिक फेज, यानी यहां पे ड्रामा होगा। ड्रामा क्या होगा? यहीं पर तो डिवीजन होगी, सेल की डिवीजन यही तो होगी, क्योंकि इंटरफेज में तो सेल प्रिपेयर कर रहा था अपने आपको। ये ड्रामेटिक फेज है, यानी नीट का एग्जाम वाला दिन है ये। नीट का एग्जाम का जो दिन होता है वही तो ड्रामेटिक फेज है ना। उस दिन आपके चेहरे बनते हैं, खुश भी रहते हो, बिगड़ते हैं आपके चेहरे। और पेपर जब देके आते हो तो उस दिन दो तरह की चीजें होती है, या तो पार्टी करोगे या किसी से पार्टी लोगे, ठीक है, या नहीं तो घर में बैठ जाओगे। तो ये जो सारा कुछ आपका चलेगा वो किस दिन चलता है? जिस दिन नीट का एग्जाम होता है। यानी कि 2 साल तो प्रिपरेशन कर रहे थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा ड्रामा वाला दिन है वो कौन सा है? वो आपका नीट वाला एग्जाम है। ठीक है, तो अब यहां पर हमें एक बात समझना है कि ये जो डिवीजन फेज है वो एक सबसे ड्रामेटिक फेज है, और इस ड्रामेटिक फेज के दौरान क्या होने वाला है? ये एक एम फेज है ना, एम फेज यानी कि द मोस्ट ड्रामेटिक फेज। तो ड्रामेटिक फेज में क्या होता है वो समझते हैं। देखो ड्रामेटिक फेज के दौरान क्या होगा, ड्रामेटिक फेज के दौरान दो चीजें होंगी। एक तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, सबसे पहले किसको डिवाइड करना है? न्यूक्लियस को डिवाइड करना है। और उसके बाद क्या होता है कि सेल के साइटोप्लाज्म डिवाइड होते हैं। न्यूक्लियस का डिवीजन क्या कहलाएगा? कैरियोकाइनेसिस, बताया था आपको। और उसके बाद जो साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाएगा यानी सेल डिवाइड हो जाएगा, उसको हम क्या कहेंगे? साइटोकाइनेसिस। तो आपको बता रखा था कि जो एम फेज होते हैं इसमें दो फेजेस आ जाएंगे, एक तो कैरियोकाइनेसिस और दूसरा कौन सा है? साइटोकाइनेसिस। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। पहले कौन होगा? पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा यानी कैरियोकाइनेसिस होगा, उसके बाद कौन होगा? साइटोकाइनेसिस होगा, काम खत्म। अब ये जो कैरियोकाइनेसिस होते हैं इनमें 4 फेजेस होते हैं, कौन कौन से? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। और उसके बाद क्या होगा? साइटोकाइनेसिस यानी सेल का डिवीजन हो जाएगा। अब समझना इस बात को, आपको मैंने बताया था सेल साइकिल एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, यानी कि आपको ये इवेंट ऐसे नहीं याद रखना कि सर ने बोला था कैरियोकाइनेसिस में एक प्रोफेज होता है, फिर शायद एनाफेज होता है, फिर मेटाफेज होता है, फिर टीलोफेज। अगर ऐसा बोला तो फिर सीक्वेंस बिगड़ जाएगी, और सीक्वेंस बिगड़ गई तो फिर हमें एग्जाम में तो छोड़ो, हम सेल साइकिल ही नहीं समझ पाए, क्योंकि सेल साइकिल का डेफिनेशन है इट इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, यानी सीक्वेंस याद रखना पड़ेगा हमें। और देखो सीक्वेंस याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? सीक्वेंस याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है मिनोमिक्स याद रखो। तो यहां पे याद रखना, पापा, मम्मी, आए, थे, चले गए। तो हमें याद रखना है कि ये जो इवेंट है वो क्या है? पापा, मम्मी, आए थे, चले गए। यहां पे पी का मतलब क्या है? प्रोफेज। एम का मतलब क्या है? मेटाफेज। ए का मतलब क्या है? एनाफेज। टी का मतलब क्या है? टी का मतलब है टीलोफेज। और सी का मतलब है साइटोकाइनेसिस। यानी कि डिवीजन फेज में जो ये 5 इंपॉर्टेंट फेजेस हैं, जिसमें क्या है प्रॉपर सीक्वेंस क्या है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस, उसको याद रखने का एक छोटा सा मिनोमिक है, बहुत देसी सा मिनोमिक है, क्योंकि ये होता रहता है जब आप प्रिपरेशन करते हो तो घर वालों से दूर होकर के कभी कभी प्रिपरेशन करना पड़ता है। थैंकफुल टू 2020 की इस समय क्या हो रहा है कि कोविड की वजह से आप घर के अंदर ही हो, है ना, तो ये एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। तो यहां पर क्या हो रहा कि आपके घर में आप पेरेंट्स के साथ ही हो, लेकिन बहुत पहले जब आप पिछले साल की बात करें या आने वाले सालों में आप देखते हो क्या हो कि आप पेरेंट्स से थोड़ा दूर हो जाते हो, तो उसमें क्या होता है कि आपके पेरेंट्स कुछ दिनों के लिए आते हैं और फिर वो चले जाते हैं। ठीक है, तो सेल साइकिल को याद रखने का एक बहुत अच्छा सा ट्रिक है कि आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, पापा मम्मी आए थे चले गए, पापा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। तो ये आप इस तरीके से इस ट्रिक को याद रख सकते हो, बहुत शानदार तरीके से याद रह जाएगी, ताकि ये सीक्वेंस कभी गड़बड़ ना हो। अगर सीक्वेंस गड़बड़ नहीं होगा तो आगे जब हम एक एक करके प्रोफेज पढ़ेंगे, मेटाफेज पढ़ेंगे, तो सब कुछ बिल्कुल आराम से याद हो जाएगा।
क्लियर हो गया सबको? तो ये चीजें आप कर सकते हो। यस, बहुत सारे ट्रिक हैं, बहुत सारे ट्रिक हैं, आप कोई भी ट्रिक यूज कर सकते हो। दैट इज नॉट आई एम कंपेलिंग कि आपको मेरे ही ट्रिक को याद करना, लेकिन ये जो ट्रिक थी ये बिल्कुल एक देसी सी ट्रिक है। ये ऐसा ट्रिक है जो कि बिल्कुल बन जाता है, आराम से बन जाता है, तो आप इसको याद रख सकते हो। पापा मम्मी आए थे, चले गए, और वैसे तो ये याद ही हो जाता है सीक्वेंस, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। ठीक है, सेल की डिवीजन हो जाएगी, तो ये हमें याद रखना है, इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब देखो, अगर मैं माइटोसिस की बात करूं तो माइटोसिस में होता क्या है, यानी कि ये जो डिवीजन फेज है इसको हम कौन सा फेज कह रहे हैं, एम फेज, यानी माइटोसिस फेज। तो माइटोसिस फेज में होगा क्या कि एक सेल आगे चल के डिवाइड करेगा, आपके पास एक सेल होगा जिसको आप मदर सेल कहते हो, और ये आगे चल के दो सेल्स में डिवाइड करेगा। अब इस डिवीजन से पहले क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है, और फिर एक एक न्यूक्लियस दोनों ही डॉटर सेल्स को मिल जाता है। तभी तो हमने कहा कि पहले कैरियोकाइनेसिस होगा फिर साइटोकाइनेसिस होगा। यहां पर क्या बात और याद रखना है कि माइटोसिस के अंदर, माइटोसिस हमेशा किसका होता है, माइटोसिस हमेशा ऐसे सेल्स का होता है जो सोमैटिक सेल्स होते हैं, यानी आपके बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर माइटोसिस होता है। क्यों होता है? क्योंकि माइटोसिस के अंदर क्या हुआ कि मान लो कि आपकी बॉडी का सेल कोई भी मैं उठा लूं तो वो डाइप्लॉयड ही होगा, बिकॉज वी आर डाइप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, तो हम डाइप्लॉयड है। तो माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम का नंबर जो पेरेंट का रहेगा वही आगे चल के डॉटर का भी रहेगा, यानी कि क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो माइटोसिस के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, देयर इज नो चेंज इन क्रोमोसोम नंबर। जो क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल का है वही क्रोमोसोम नंबर डॉटर सेल्स का भी होगा। माइटोसिस होता कहाँ है? माइटोसिस सोमैटिक सेल्स में होता है। सोमैटिक सेल्स किसको कहते हैं? हमारी बॉडी के वो सेल्स जो कि गैमेट का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं। ध्यान से समझना, सोमैटिक सेल्स हमारे बॉडी के वो सेल्स जो गैमेट का फॉर्मेशन नहीं कर रहे हैं उन्हें हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं। जैसे हमारे मसल्स के सेल्स हो गए, हमारे नर्व सेल्स हो गए, हमारे हार्ट सेल्स हो गए, ये सारे हमारे बॉडी के अंदर सोमैटिक सेल्स हैं, है ना। तो आपके जो मसल सेल्स हैं या फिर आपके स्टमक के सेल्स हो गए, लिवर के सेल्स हो गए, तो ये सारे आपके सोमैटिक सेल्स हैं, और जो सोमैटिक सेल्स होते हैं इनकी डिवीजन माइटोसिस से होती है, और माइटोसिस से होने की वजह से इनका क्रोमोसोम नंबर नहीं बदलता है, और क्रोमोसोम नंबर नहीं बदल रहा है इसलिए माइटोसिस को आप इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हो। इक्वेशनल डिवीजन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर सेम है, क्रोमोसोम का नंबर बदल नहीं रहा है। क्लियर है सबको? क्लियर हो गया ये सारा चीज? समझ में आ गया कि किस तरीके से ये चीजें आपको समझनी है, कि इक्वेशनल डिवीजन क्या होता है, कि किस तरीके से इक्वेशनल डिवीजन वहां पे चल रहा है। यहां तक अगर किसी तरह का कोई इश्यू नहीं है तो बता दो कि हाँ यहां तक बातें समझ में आ गई है, कि किस तरीके से सेल आगे डिवाइड किया और सेल डिवीजन करके अपने वहां पर नंबर को बढ़ा रहा है। तो ये बहुत ही शानदार सा पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, कि किस तरीके से माइटोसिस इक्वेशनल डिवीजन कहलाता है। ठीक है, तो एक लाइन और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट याद हो गया कि माइटोसिस के अंदर क्रोमोसोम का नंबर नहीं बदलेगा, यानी कि जैसा क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट का होगा वही डॉटर सेल्स का भी वहां पे नजर आएगा। मदर सेल्स और डॉटर सेल्स के क्रोमोसोम नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो कभी भी ऐसा कोई डिवीजन करना पड़े जहां पे क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होगा तो वहां पे आप समझ जाना कि ये तो माइटोसिस हो रहा है। ठीक है, ये बहुत काम आने वाला है। जैसे आप 12th के अंदर पढ़ोगे स्पर्मेटोजेनेसिस गैमेटोजेनेसिस, तो वहां पे आप बहुत जगहों पे देखते हो कि कहीं पे माइटोसिस हो रहा है, कहीं पे मियोसिस हो रहा है। कैसे याद रखेंगे? तो बस ये लाइन याद रखना, क्रोमोसोम का नंबर अगर चेंज नहीं हुआ है पर सेल डिवाइड कर गया है तो माइटोसिस, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया है और सेल डिवाइड कर गया है मियोसिस। ठीक है, तो आगे मैं इन चीजों को भी क्लियर कर दूंगा। यस, प्लॉयडी विल बी सेम, दैट इज द क्रोमोसोम नंबर विल बी सेम। तो ये पॉइंट आप समझ गए और ये आपको सीक्वेंस याद हो गया। अब एक एक करके इनके डिटेल्स को पढ़ेंगे, यानी कि प्रोफेज क्या होता है, मेटाफेज के दौरान क्या होता है, एनाफेज के दौरान क्या होता है, टेलोफेज के दौरान क्या होता है। तो डिवीजन फेज में ये पांच फेजेस आपको याद रखने हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। अब एक और बहुत ही शानदार सी पॉइंट, इस पूरे फाइव फेजेस में सबसे बड़ा फेज, लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होगा? प्रोफेज होगा। और सबसे छोटा फेज कौन सा होगा? एनाफेज होगा। तो लॉन्गेस्ट फेज प्रोफेज होगा और शॉर्टेस्ट फेज वहां पे क्या होगा? एनाफेज होगा। ये भी बात हमें याद रखना है। यस, ठीक है, तो प्रोफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज, वेयर एज एनाफेज इज द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ एम फेज, यानी एम फेज का लॉन्गेस्ट फेज प्रोफेज है। अब मेरे क्वेश्चंस को ध्यान से सुनना, सेल साइकिल में पूछा जाए कि सेल साइकिल में लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है, तो आंसर विल बी इंटरफेज। सेल साइकिल में लॉन्गेस्ट फेज इंटरफेज। इंटरफेज में पूछा जाए लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है, तो जीवन। इंटरफेज में लॉन्गेस्ट कौन सा है? जीवन, याद रखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर ह्यूमन सेल्स के अंदर अगर देखा जाए तो ह्यूमन सेल्स के अंदर ऐसा देखा जाता है कि इंटरफेज के दौरान जो एस फेज है वो लॉन्गेस्ट होता है,
लेकिन जो ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स के अंदर इंटरफेज में जीवन फेज इज द लॉन्गेस्ट फेज। और तीसरी शानदार पॉइंट ये है कि जब एम फेज में लॉन्गेस्ट फेज पूछ दिया जाए तो आंसर विल बी प्रोफेज। तो ध्यान से ऐसे क्वेश्चंस को करना, यानी कि क्वेश्चन में देखना कि क्या वो सेल साइकिल पूछ रहा है, क्या वो इंटरफेज पूछ रहा है, क्या वो एम फेज पूछ रहा है, क्योंकि इन तीनों के नाम के साथ जो लॉन्गेस्ट फेज है वो बदल जाएगा। आई होप सबको ये लाइन समझ में आ गई, सबको ये पॉइंट क्लियर हो गया। यस और नो, समझ में अगर आ रहा है तो चीजों को जरूर लाइक करें, चीजों को शेयर जरूर करें, ताकि आपको चीजें समझ में आ रही है, ये हमें भी समझ में आता रहे। बिल्कुल, यहां तक चीजें क्लियर हो गया? ओके, बिल्कुल साइड हो जाएंगे ताकि आप फिर से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो जल्दी। यस, बिल्कुल जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि फिर टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। गुड, साइड में लिख दीजिए। ओके, साइड में भी लिख देंगे। चलो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर साइड में लिख देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना जल्दी। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर साइड में लिख भी देते हैं। ओके, नाउ देखो क्या मैंने बात बताया। फर्स्ट पॉइंट ये बोला कि अगर आपसे लॉन्गेस्ट फेज पूछा जा रहा है, ठीक है, तो लॉन्गेस्ट फेज, सेल साइकिल की बात करें तो सेल साइकिल में लॉन्गेस्ट फेज आपका हो जाएगा इंटरफेज। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ए पॉइंट। बी पॉइंट याद रखना, अगर पूछा जाए इंटरफेज में, तो इंटरफेज में ज्यादातर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर तो जीवन होता है, ज्यादातर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जीवन होगा। लेकिन यहां पे कर लेना कि ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन के अंदर क्या हो जाएगा, एस फेज हो जाएगा, ह्यूमन के अंदर एस फेज हो जाएगा। ठीक, सी ऑप्शन, सी जो पॉइंट है वो याद क्या रखना है कि एम फेज में अगर लॉन्गेस्ट पूछा जाए तो एम फेज में लॉन्गेस्ट कौन सा हो जाएगा, एम फेज में लॉन्गेस्ट आपका हो जाएगा प्रोफेज। ठीक है, और एम फेज में एक और पॉइंट याद रखेंगे कि पूछा जाए शॉर्टेस्ट कौन सा है, तो शॉर्टेस्ट याद रखेंगे एनाफेज, शॉर्टेस्ट एनाफेज, लॉन्गेस्ट प्रोफेज। क्लियर है सबको? यस, ह्यूमन में लॉन्गर फेज एस फेज हो जाएगा, वहां पे ये याद रखना, इसलिए मैंने वहां पे लिख दिया है कि अगर ह्यूमन के अंदर पूछा जाए प्रिसाइजली तो एस फेज करना, बाकी सारे जगहों पे आपको पता ही है। चलिए, क्लियर हो गया, समझ में आ गया क्यों होता है एस फेज ह्यूमन के अंदर, क्योंकि ह्यूमन का जो बॉडी है वो सबसे कॉम्प्लेक्स है और वहां पर जो डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, फॉर्मेशन होता है, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए एस फेज ह्यूमन के अंदर वहां पे सबसे लॉन्गेस्ट फेज बन जाता है। चलो वेरी गुड, एनाफेज शॉर्टेस्ट फेज है, यस एनाफेज शॉर्टेस्ट फेज है एम फेज का। क्लियर हो गया सबको? तो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो, और नोट डाउन करने के बाद मूव करते हैं नेक्स्ट पे। चलो अब बात करते हैं प्रोफेज की, ठीक है, यस सबको समझ में आ गया, सबको क्लियर हो गया, गुड। ओके, तो अब हमारा एम फेज स्टार्ट हो रहा है, जहां पे जो सबसे पहला फेज है दैट इज द प्रोफेज। सबसे पहले हम कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, प्रोफेज। ठीक है, प्रोफेज की अगर बात करें तो आपको बताया कि एम फेज का सबसे पहला फेज है और ये सबसे लॉन्गेस्ट फेज होगा कैरियोकाइनेसिस का। क्यों? क्योंकि कैरियोकाइनेसिस के लिए मैंने आपको बोला कि चार फेजेस आपके कैरियोकाइनेसिस में होते हैं, जहां पे न्यूक्लियस के डिवीजन की हम बात करेंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। तो ये जो आपके पास कैरियोकाइनेसिस के चार फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये इन चारों में से जो सबसे लॉन्गेस्ट फेज है वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका प्रोफेज। क्लियर हो गया? ठीक है सर, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है साइड में, बिल्कुल साइड में भी लिख देंगे, और आपको मैंने बोल भी रखा है कि नोटबुक लेकर के बैठा करो, ताकि क्या होगी अगर मान लो लेक्चर, क्योंकि देखो हमारा काम है हम लेक्चर डिलीवर करते रहते हैं, तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट होते हैं जो लेक्चर के दौरान आता है, तो आपको क्या करना चाहिए कि वैसे पॉइंट जो आपको लगते हैं कि हाँ इससे तो क्वेश्चन बन सकता है, वो जरूर आप लिख भी लिया करो खुद से, है ना। तो ये काम करने का फायदा आपको बहुत सारा होगा, क्योंकि इससे आपकी मेमोरी बेटर होगी, और जब मेमोरी बेटर होगा लिख करके, तो फिर आगे चल करके आप उसका आंसर कर पाओगे। आई होप सबको ये बात क्लियर हो गया। चलिए अब देखो, इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस, ये बात आप समझ गए। अब यहां पे क्या होता है कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पेयर ऑफ क्रोमेटिड्स में अपीयर करते हैं। याद करो, क्रोमोसोम्स इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में मौजूद होता है, ठीक है, पर प्रोफेज के दौरान ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये आपस में आकर के पेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं, और पेयरिंग करके एक प्रॉपर सा स्ट्रक्चर बनाने लगते हैं, क्रोमेटिड्स का फॉर्मेशन करने लगते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपको दिख रहा है दो सिस्टर क्रोमेटिड्स इसके दिख रहे हैं, ये क्रोमेटिड्स कहलाता है, ये भी क्रोमेटिड्स कहलाता है, और इनके बीच में जो स्ट्रक्चर इनको ज्वाइन करवाता है इसको हम क्या कहते हैं, दिस पार्ट इज नोन एज दिस सेंट्रोमियर, ये क्या कहलाता है, सेंट्रोमियर।
यहां पर आप सेंट्रोमियर के फॉर्मेशन देखते हो, यानी कि क्रोमेटिड्स आकर के अरेंज करते हैं और इस तरीके से क्रोमोजोम यहां पर फॉर्म होने लगता है। तो प्रोफेज के दौरान क्रोमोजोम का जो स्ट्रक्चर है वो फॉर्म होने लगता है और इसी को हम कहते हैं कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है। क्रोमोजोम का क्या स्टार्ट हो जाता है? कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, यहां पे क्रोमोजोम कंडेंस होने लगते हैं। तो प्रोफेज के दौरान क्रोमोजोम कंडेंसेशन स्टार्ट्स, ये लाइन का मतलब समझ जाना, ठीक है। यस मानदोषी सिंह, सर हिंदी में भी लगाया करो क्लास। बिल्कुल, देखो मानदोषी एक बात को समझना कि आपको टर्म्स बस इंग्लिश के मिल रहे हैं, बाकी तो एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी के ही मिल रहे हैं। तो आप तो इन चीजों को भी ग्रैब करने की कोशिश करो, क्योंकि कल जब आप डॉक्टर बनोगे तो डॉक्टर बनने पे आपका जो पेशेंट है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में टर्म्स के साथ नहीं आएगा, कुछ इंग्लिश में भी वो बोल सकता है टर्म्स, या फिर आपको भी कुछ चीजें इनकाउंटर है। तो हमें तो दोनों लैंग्वेज समझना जरूरी है। तो कोशिश ये करेंगे कि हाँ टर्म्स जो हैं वो आप खाली थोड़ा सा सीखने की कोशिश करो, इंग्लिश वाले भी सिंपल है, याद हो जाते हैं वो जल्दी, और साथ के साथ एक्सप्लेनेशन तो हिंदी में है ही सही, वो आप आराम से समझ सकते हो, ठीक है। चलिए वेरी गुड, सबके सब अब रेडी रहें और चीज़ों को ध्यान से सुनते रहें, है ना, और जो लेट आते हैं वो लेट आने वाली आदत बंद करें थोड़ा। चलिए क्रोमैटिन कंडेंसेशन यहाँ पर स्टार्ट होगा, यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए क्रोमोजोम कंडेंसेशन किस फेज में होगा तो आंसर विल बी प्रोफेज, ठीक है। ओके, इसके अलावा क्या होता है? जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसइंटीग्रेट करने लगता है और साइटोप्लाज्म में डिसअपियर हो जाता है। डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे, बस इस स्लाइड को एक बार याद कर लो फिर मैं डायग्राम से आपको समझा दूंगा। साथ के साथ न्यूक्लियोलस भी यहां पे डिसअपियर करना स्टार्ट कर देगा। तो प्रोफेज के दौरान क्या क्या हो गया? क्रोमोसोम कंडेंस हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट कर रहा है और वो डिसअपियर हो जाएगा, और न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर करना स्टार्ट कर देता है, यानी यहां पे डिसअपियर होने लगता है। इसके अलावा याद करो, आप सभी को याद होगा तो मैंने कहा था कि एस फेज के दौरान डीएनए तो रेप्लिकेट करता ही है न्यूक्लियस के अंदर, साथ के साथ साइटोप्लाज्म में सेंट्रियोल भी डुप्लीकेट कर रहा होता है। याद आ गया सबको लाइन? तो जो सेंट्रियोल वहां डुप्लीकेट कर रहा था उसके दो जो नंबर बन रहे थे, अब ये प्रोफेज के दौरान क्या होता है, सेंट्रियोल्स दोनों अपोजिट पोल्स की तरफ जाने लगते हैं। अपोजिट पोल का मतलब क्या होता है? जैसे ये सेल है, ठीक है, तो सेल में जो सेंट्रियोल है ये उसका एक नॉर्थ पोल, अगर इसको मान लो तो ये उसका साउथ पोल है, तो सेंट्रियोल एक इधर चला जाएगा और एक साउथ पोल की तरफ जाने लगता है। तो ये भी काम प्रोफेज के दौरान हो रहा होता है, ईच सेंट्रियोल सेपरेट कर जाएगा एंड स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स दी अपोजिट पोल चला जाएगा। अब यहां पे एक बात ध्यान रखना, आप कहोगे सर आपने तो ये भी कहा था कि एनिमल सेल के अंदर तो सेंट्रियोल होता है, पर प्लांट सेल्स का क्या करेंगे, प्लांट सेल के अंदर तो सेंट्रियोल नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो प्लांट सेल में सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए वहां पे सेंट्रियोल मूव भी नहीं करेगा प्रोफेज के दौरान। इसलिए आगे चल के हम पढ़ेंगे कि एनिमल सेल के अंदर जब सेल डिवीजन होता है तो एस्ट्रल रेज का फॉर्मेशन होता है, एस्ट्रल रेज का फॉर्मेशन होता है, जबकि प्लांट सेल के अंदर एस्ट्रल रेज नहीं बनेंगे। प्लांट सेल के अंदर क्या होगा? एस्ट्रल रे नहीं बनेगा। तो ये बात भी हमें याद रख लेना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि एस्ट्रल रेज वहां पर नहीं बनते हैं। किसके अंदर? प्लांट सेल्स के अंदर एस्ट्रल रे नहीं बनता है क्योंकि सेंट्रियोल एब्सेंट है, और एनिमल सेल के अंदर वहां पर क्या हो रहा है कि रे बन रहा है, एस्ट्रल रे बन रहा है क्योंकि सेंट्रियोल प्रेजेंट है, और प्रोफेज के दौरान ये सेंट्रियोल अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाते हैं। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी, ठीक है। तो अब देखो, क्योंकि प्लांट्स के अंदर एस्ट्रल रे एब्सेंट होता है इसलिए एन टर्म आगे लग जाएगा, एन एस्ट्रल, एन का मतलब क्या होता है? एब्सेंस। तो एन एस्ट्रल माइटोसिस अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आपको याद आ जाएगा कि सर ने बताया था कि एन एस्ट्रल का मतलब होता है कि एस्ट्रल रे एब्सेंट। एब्सेंट कहां होगा? जहां सेंट्रियोल एब्सेंट होगा, और सेंट्रियोल कहां एब्सेंट होता है? प्लांट सेल्स में एब्सेंट होता है। तो एन एस्ट्रल माइटोसिस किसके अंदर हो जाएगी? एन एस्ट्रल माइटोसिस हो जाएगी प्लांट सेल के अंदर। क्लियर हो गया? एन एस्ट्रल माइटोसिस किसके अंदर होगा? प्लांट्स के अंदर होगा, जहां पे सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं और किसी तरह का एस्ट्रस का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो माइटोसिस बिना एस्टर के अगर हो जाए तो उसको हम कहते हैं एनेस्ट्रल माइटोसिस। तो अगर अब ह्यूमंस के अंदर या एनिमल्स के अंदर पूछ दिया जाए तो ह्यूमंस और एनिमल्स के अंदर तो सेंट्रियोल होता है और वहां पर एस्ट्रल रेज भी बनते हैं माइटोसिस के लिए, इसलिए ऐसा माइटोसिस जहां पे एस्ट्रल रे बनते हैं उनको हम कहते हैं एम्फी एस्ट्रल माइटोसिस। कैसा माइटोसिस? एम्फी एस्ट्रल माइटोसिस। याद हो जाना चाहिए बिल्कुल क्लास के अंदर ही, एन एस्ट्रल क्योंकि एस्ट्रल एब्सेंट है, एस्ट्रल रेज एब्सेंट है। क्यों एब्सेंट है? क्योंकि सेंट्रियोल एब्सेंट है, सेंट्रियोल एब्सेंट है तो एस्ट्रल रेज बनेंगे नहीं, पर माइटोसिस तो हो रहा है बिना एस्ट्रल रेज के, इसलिए एन एस्ट्रल माइटोसिस। एम्फी एस्ट्रल जहां पर एस्ट्रल रे की वजह से माइटोसिस हो रही है उसको कह रहे हैं एम्फी एस्ट्रल, जो कि एनिमल्स के अंदर होता है। दोनों बात क्लियर हो गया, ठीक है।
चलिए यस आगे चल के शीतल बात करेंगे इसके ऊपर कि एस्ट्रल रे ही स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म करेंगे जिसके हेल्प से ये पूरा का पूरा प्रोसेस होगा। आपको पता है ना कि क्रोमोसोम जब इक्वेटोरियल प्लेन पे आएगा फिर वो स्प्लिट करेगा एनाफेज की तरफ जाएगा, तो उसके लिए ये स्पिंडल फाइबर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले, तो हम उसके बारे में बात करेंगे अभी। तो एस्ट्रल रेज नाम याद रखना आप सभी। चलिए तो अगर प्रोफेज कंप्लीट हो जाता है यानी कि एंड ऑफ प्रोफेज पे हमें क्या क्या नजर आने वाला है वो देखो। क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस हो जाएंगे, कंप्लीटली कंडेंस हो जाएंगे टू फॉर्म कॉम्पैक्ट माइटोटिक क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स आर सीन टू बी कंपोज्ड ऑफ टू क्रोमेटिड्स अटैच्ड टुगेदर एट द सेंट्रोमियर। यानी यहां पे हमें क्रोमोसोम कैसा नजर आएगा, कुछ इस तरीके से लगेगा जहां पे दो क्रोमेटिड्स, ये एक क्रोमेटिड ये दूसरा क्रोमेटिड, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं और ये आपस में किससे अटैच्ड है, ये अटैच्ड है सेंट्रोमियर से। किससे अटैच्ड होंगे, सेंट्रोमियर से। ये किस दौरान दिखेगा आपको, प्रोफेज के दौरान दिखाई देगा। इसके अलावा क्या होगा, इनिशिएशन ऑफ असेंबली ऑफ माइटोटिक स्पिंडल, यानी कि माइटोटिक स्पिंडल का यहाँ पे फॉर्मेशन धीरे धीरे स्टार्ट होगा क्योंकि आपको पता है सेंट्रियोल अपोजिट पोल की तरफ जा चुका है, तो सेंट्रियोल से जो एस्ट्रल रेज है वो स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन अब धीरे धीरे स्टार्ट करेगा। द माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स ही यहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करते हैं। द प्रोटीनिशियस कॉम्पोनेंट्स ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म हेल्प इन दिस प्रोसेस, यानी कि स्पिंडल फाइबर्स के लिए बनाने में कौन काम आएगा, ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स है वो भी काम आएंगे और साथ के साथ प्रोटीनिशियस कॉम्पोनेंट जो साइटोप्लाज्म में मौजूद है वो भी काम आएगा। तो ये सारा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, तो मैं एक बार आपको रिवाइज करता हूँ, तब तक आप इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, तो मैं मेरी बात को भी सुनते रहना। प्रोफेज के दौरान क्या क्या हुआ, प्रोफेज के दौरान सबसे पहले हमने देखा कि क्रोमोसोम कंडेंस हुआ, दूसरा न्यूक्लियस वहां पे डिसअपियर करना स्टार्ट करेगा और डिसअपियर करने लगेगा और न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर करेगा। इसके अलावा क्या होगा, जो सेंट्रियोल्स थे वो अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करेंगे, स्पिंडल फाइबर्स का अब वहां पे फॉर्मेशन स्टार्ट होगा और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन किसकी वजह से हो रहा है, स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन वहां पर माइक्रोट्यूब्यूल्स और प्रोटीनिशियस कॉम्पोनेंट्स की वजह से हो रहा है। यस दीपक, आपका भी नाम ले लिया, ठीक है, ओके। दीपक गुप्ता इज ऑल्सो प्रेजेंट हियर, गुड फॉर दैट, आपका नाम ले लिया दीपक। चलिए बाकी और सारे बच्चे, सर प्लीज एक्सप्लेन अबाउट सेंट्रोमियर एंड काइनेटोकोर। देखो सेंट्रोमियर और काइनेटोकोर दोनों एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, आपको बता देंगे, लेकिन यहाँ पर चलो एक पॉइंट यहाँ बता दें, ये ऐसे सेल वाला स्ट्रक्चर वाला चैप्टर का है, सेल स्ट्रक्चर चैप्टर का। देखो अगर मैं इस तरीके से यहाँ पर एक क्रोमोसोम को देखूं, तो देखो क्रोमोसोम, ये एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम में ये जो आपको पार्ट्स दिख रहे हैं, ये जो अलग अलग पार्ट्स दिख रहे हैं, इनको हम कह रहे हैं क्रोमेटिड्स, इनको हम क्या कह रहे हैं, क्रोमेटिड्स, ठीक है। ये जो सेंटर में स्ट्रक्चर है जो दोनों क्रोमेटिड को यहाँ पर क्या कर रहा है, बांध के रख रहा है, वो यहाँ पर, इसको मैं ग्रीन से दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसी को हम कह रहे हैं सेंट्रोमियर, इसी को हम क्या कह रहे हैं, सेंट्रोमियर। अब इस सेंट्रोमियर का वो पॉइंट, इस सेंट्रोमियर का वो पॉइंट जहां पर आकर के स्पिंडल फाइबर लगेगा, जैसे इस सेंट्रोमियर पे मैंने ये ब्लू डॉट बना दिया, ठीक है, तो सेंट्रोमियर पर जो ये ब्लू डॉट है इस पे आगे स्पिंडल फाइबर्स लगेंगे। जब माइटोसिस होगा, एनाफेज मेटाफेज का टाइम आएगा, उस समय आप देखोगे कि स्पिंडल फाइबर्स आकर के सेंट्रोमियर से अटैच होंगे, तो जिस पॉइंट पे सेंट्रोमियर के वो अटैच्ड होंगे वही उसका कहलाएगा काइनेटोकोर, ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे, वहां पर काइनेटोकोर कहेंगे। तो ये बात भी आपको समझ लेना है क्लियरली, ये बातों को क्लियर समझना है कि वहां पे उसी पॉइंट को हम क्या कह रहे हैं, काइनेटोकोर। तो सेंट्रोमियर क्या होता है वो भी आप समझ गए और साथ के साथ काइनेटोकोर भी आप समझ गए, तो चीजें आपको समझ में आना जरूरी है, चीजें क्लियर रखना बहुत जरूरी है, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सारे बच्चे अभी यहाँ पे बोल रहे हैं ये मस्त एक्सप्लेनेशन, थैंक यू फॉर दैट विनायक, ओके। सर आई एम न्यू, सर प्लीज हेल्प मी, बिल्कुल प्रखर यादव, आप अगर नए हो तो आपको हेल्प करने के लिए तो आपके पास ये पूरा का पूरा चैनल एक अवेलेबल नीट चैनल, आज अभी के अभी सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल हिट करके रख लो, ताकि क्या हो कि स्केड्यूल जो आपकी लगती है क्लासेस की वो आपको पता रहे और आप उस क्लास में अटेंड करो, आपके लिए वो बहुत बड़ा काम करेगा, क्योंकि जब आप 5 मंथ्स की इसमें प्रिपरेशन कर लोगे, नीट के पेपर में पहुंचोगे, तो इतने सारे चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके होंगे तरीके से, कंटेंट से, कि एग्जाम में आप बहुत अच्छा करके आओगे। अंकित सरोज अभी बताया सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर क्या हो गया कि जो क्रोमेटिड्स को बिल्कुल सेंटर में होल्ड करके रख रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, सेंट्रोमियर कह रहे हैं, ठीक है। और सेंट्रोमियर का वो पॉइंट जहां से स्पिंडल फाइबर्स आके लगेंगे और स्प्लिटिंग स्टार्ट कराएंगे वो काइनेटोकोर कहला जाएगा। थैंक यू फॉर दैट पलक, पलक ओके सर यू आर माई फेवरेट टीचर, थैंक यू फॉर दैट पलक, ओके सारे बच्चे बिल्कुल। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे। प्रखर यादव सिंह सर डीपीपी और स्टडी मटेरियल कहां से मिलेगा, ई करियर पॉइंट लर्निंग ऐप,
प्ले स्टोर पे जाओ, ई करियर पॉइंट लर्निंग ऐप क्लिक करो और लर्निंग ऐप को डाउनलोड करो, वहां पे आपको स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा और डीपीपी भी मिल जाएगा। ओके वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। कुमार वैभव सर, इंग्लिश के लाइन के नीचे हिंदी में भी लाइन लिखा करो, आप जैसा समझाते हो वैसा ही समझाया करो। ओके चलो वैभव, आपकी इस बात को हम समझेंगे और नेक्स्ट क्लास से कोशिश करेंगे कि आपके लिए हिंदी वाले टर्म्स भी यहाँ पे लिख दिया करेंगे, ताकि आपका हिंदी वाला, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हिंदी वाले भी हैं जो बार बार ये कर रहे हैं, तो मैं उनको भी अब डिसहार्ट नहीं करूंगा, उनको भी मैं अब चीजें जो है थोड़ी बहुत हिंदी में टर्म्स जरूर दूंगा। ठीक है, तो बिल्कुल हिंदी में भी करेंगे, तो अपने फ्रेंड्स के साथ सेशन को जरूर शेयर करो। यस क्लियरली समझना है, सब कुछ बहुत अच्छे से समझना है, क्लियर करना है, कहीं पे भी हमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं करना है। ओके नेक्स्ट, चलिए मूव करते हैं आगे पे। सर फिर से सेंट्रोसोम क्या होता है? देखो सेंट्रोमियर्स की अगर हम बात करें तो सेंट्रोमियर्स आपको बता दिया, अब आप थोड़ा बहुत जो सेंट्रोसोम क्रोमोसोम वाला टॉपिक है ना वो अभी होल्ड करो, मैं जब आपके लिए एक सेशन जहां पे कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, वहां पे आपको फिर से वो बातें बताऊंगा, क्योंकि वहां पे इनके काम आएंगे तो आपको क्लियरली समझ में भी आएगा। तो अभी रुक जाओ, नेक्स्ट लेक्चर का वेट करो, वहां पे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सर ऑल चैप्टर आपसे पढ़ना चाहता हूँ। बिल्कुल राजीव, हम लोगों ने चार चैप्टर कर लिया, ये पांचवा चैप्टर हम कर रहे हैं, तो लगभग आपके चैप्टर्स तो चल रहे हैं, तो अभी तो फिलहाल जो चल रहे हैं सबके सब पढ़ लेंगे। बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तो अच्छा लग रहा है, आप सभी बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिखा रहे हो। ओके तो आप लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिख रहे हो, ये और उस चीज की पॉजिटिविटी के साथ आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो बहुत मजा आ रहा है। आप लोग बस मस्त से तरीके से पढ़ते रहो और सेशन को शेयर कर दो, ताकि सारे फ्रेंड्स जब आपके आए ना तो मजा आएगा आपको सेशन करने का भी, क्योंकि मजा तभी आएगा जब भीड़ के साथ पढ़ोगे और उस भीड़ में अलग से चमकते हुए नजर आओगे कि आप आंसर कर रहे हो, आपके फ्रेंड्स भी आंसर कर रहे हैं, कुछ गलतियां हो रही हैं, वो गलतियां मैं आपका करेक्ट कर रहा हूं, तो पढ़ने का जो तरीका है ना वो बिल्कुल बदल के रह जाएगा। यानी YouTube पे हम उस तरीके से चीजें पढ़ रहे होंगे जैसे एक क्लासरूम के अंदर पढ़ा करते थे, तो बहुत मजा आएगा। यस ताइवर, प्लांट रेस्पिरेशन पढ़ाएंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस पढ़ाया है तो बिल्कुल वहां पे ये भी पढ़ेंगे, प्लांट रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी गुड, थैंक यू फॉर दैट। ओके बहुत बढ़िया, मजा आ गया, आज आप सब बिल्कुल एनर्जेटिक भी हो और चीजें क्लियर भी कर रहे हो। ओके एमसीक्यू होगा नित्या? बिल्कुल होगा एमसीक्यू, थोड़े दिन में करा रहे हैं एमसीक्यू। तो मेरे ख्याल से ये माइटोसिस का जो प्रोफेज फेज है वो आपको क्लियर हो गया, सेंट्रोमियर और काइनेटोकोर भी मैंने आपको समझा दिया। अब देखो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम से चीजें समझा देता हूं। मैंने आपको क्या बोला था, प्रोफेज के दौरान दो फेजेस हो गए, एक तो ये अर्ली फेज है यानी कि जहां पे प्रोफेज स्टार्ट हो रहा है, और ये इसका लेट प्रोफेज है यानी कि जहां पे प्रोफेज एंड होगा। अर्ली प्रोफेज के दौरान आपको पता था कि जो क्रोमोसोम्स थे वो थ्रेड लाइक थे, अब वो अरेंज करना चाहेंगे, ठीक है, अरेंज करके सेंट्रोमियर्स बनेगा और इसके बीच में सेंट्रोमियर्स के बीच में एक क्रोमेटिड्स बनेंगे और क्रोमेटिड्स के बीच में ये सेंट्रोमियर्स का फॉर्मेशन होने लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपको दिखने लग जाता है, यानी यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस हो रहा है, क्या हो रहा है, कंडेंस क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम ये टर्म बहुत बार पूछा जाता है, तो याद रखना प्रोफेज के दौरान होता है। अब आप यहां पे क्या देखते हो कि जो सेंट्रोमियर्स हैं जहां पर सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच्ड होते हैं वो उनके फॉर्मेशन बहुत प्रॉपर्ली हो चुके हैं और इसकी वजह से पेयरिंग स्टार्ट हो गई, क्रोमोसोम से यहां पे आपको दिख रहा है कि बन चुके हैं। अब इन पर ये जो सेंट्रियोल्स हैं जो अपोजिट पोल्स की तरफ चले गए, ये सेंट्रियोल्स हैं, इस सेंट्रियोल से ये जो रेज बाहर निकल रहा है इसी को हम कह रहे हैं एस्ट्रल रेज। ये जो रेज है इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, एस्ट्रल रेज, और यही रेज जो है ये कंबाइंड करके बनाते हैं स्पिंडल फाइबर्स। और ये स्पिंडल फाइबर्स कहाँ पे आके अटैच्ड होते हैं, सेंट्रोमियर के पोजीशन पे अटैच्ड होते हैं, और सेंट्रोमियर का वो पोजीशन जहां पे स्पिंडल फाइबर अटैच होगा वो कहलाएगा काइनेटोकोर, वो वहां क्या कहलाएगा, काइनेटोकोर। तो मैंने ये सारी बातें आपको बता दी थी, अब डायग्राम के थ्रू आप इन चीजों को समझ सकते हो। तो मेरे ख्याल से ये पूरा का पूरा जो प्रोफेज है वो आपको अब समझ में आ रहा है। देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर कर रहा है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां से खत्म हो रहा है, पहले यहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद था, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे डिसअपियर होने लगा है, तो साइटोप्लाज्म में वो डिसअपियर भी हो जाता है। तो ये सारा काम प्रोफेज के दौरान होता है, इसलिए प्रोफेज बहुत ही लॉन्गेस्ट फेज होता है कैरियोकाइनेसिस का। क्लियर हो गया सबको, चलिए नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ठीक है, तो कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन दस बी मार्क्ड बाय द फॉलोइंग इवेंट, क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस हो जाएगा, ये सारा कुछ आप पढ़ चुके हो, पहले ही मैंने बता रखा है, तो आप इसको देख लोगे। मेटाफेज कराने से पहले, क्योंकि अब टाइम की शॉर्टेज आ रही है ना, तो प्रोफेज तो आज हमने समझ लिया है, नेक्स्ट क्लास में हम मेटाफेज समझेंगे और मेटाफेज के साथ एनाफेज समझेंगे और टेलोफेज समझेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या सीख लिया, आज हमने चेक पॉइंट सीख लिया और साथ के साथ हमने मेटाफेज को सीख लिया, ठीक है, प्रोफेज को सीख लिया।
बचता हमारे पास क्या, अब मेटाफेज पढ़ना, एनाफेज पढ़ना और टीलोफेज पढ़ना, जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो टाइम अब आता है आपके लिए, दैट इज द क्वेश्चन टाइम, एमसीक्यू टाइम, है ना। इस बॉक्स का दिखने का मतलब ही क्या हो जाता है, क्वेश्चन का, पिटारा इज नाउ देयर, ठीक है। तो क्वेश्चन टाइम इज देयर, तो रेडी हो जाओ क्वेश्चन टाइम के लिए, है ना। ओके, जल्दी जल्दी से लेक्चर के लिए। और एक और बात, आप सारे बच्चे थोड़ी सी ना टाइम निकालो और कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में तो आप कह देते हो, पर कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताया करो हाउ मच यू हैव एंजॉयड द लेक्चर। अगर लेक्चर आपको पसंद आया तो वो भी बताओ, नहीं पसंद आया तो भी बताओ, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताया करें, क्योंकि कमेंट बॉक्स से हमें पता चलता है कि हाँ हमें भी ऐसे सेशंस कंटिन्यू रखने चाहिए, करने चाहिए। तो जरूर बताया करें आप कमेंट बॉक्स के अंदर। चलिए, वेरी गुड, फुल जोश के साथ रेडी है, बहुत अच्छा, सारे बच्चे रेडी हैं। तो कमिंग टू द क्वेश्चन नाउ, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज कितने बच्चे सही आंसर करते हैं। सेल साइकिल कैन रिमेन अरेस्टेड एट, सेल साइकिल कहां पर अरेस्टेड रहते हैं। नित्या आस्किंग, सर सेंट्रियोल्स अपोजिट साइड क्यों चले जाते हैं, प्लीज रिप्लाई। देखो नित्या, अपोजिट पोल्स पे जाएगा तभी तो वहां से वो स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन करेगा, और उस स्पिंडल फाइबर से वहां पर वो अटैच होगा, और अटैच करके फिर वहां पर सेंट्रोमियर को स्प्रेड करा पाएगा। यस, चलिए बिल्कुल बिल्कुल, 90 लाइक हो गए हैं तो 100 कर दो जल्दी से आप सभी। यस, ओके गुड, जल्दी से बता दो जल्दी से क्वेश्चन का आंसर। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन जीवन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सेल साइकिल कैन रिमेन अरेस्टेड एट, सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर किया, एक दो ने गलत कर रहे हो, वो ध्यान से समझो। याद करो मैंने आपको बताया था कि जब जीवन से एस में जाएगा तो चेक पॉइंट मिलेगा, अगर सेल में किसी तरह की एबनॉर्मैलिटी है तो सेल को जीवन में ही अरेस्ट हो जाना पड़ेगा। तो सेल साइकिल कहां पर अरेस्टेड रहता है, रिमेन अरेस्टेड एट जीवन स्टेज इज द करेक्ट आंसर, जीवन में वो अरेस्टेड रहता है। जी टू में क्यों आप बोलोगे कि तो सर चेक पॉइंट तो जी टू और एम में भी मौजूद था, वहां पे क्यों नहीं आप कह रहे हो कि अरेस्टेड है, क्योंकि वहां पे अरेस्टेड नहीं था, वहां पे रिपेयर हो रहा था, वो रिपेयर होगा, क्योंकि आपको बोल रखा है कि जीवन से अगर एक बार वो एस में चला गया है तो फिर वो वापस नहीं लौटेगा, उसको अब डिवीजन के लिए जाना ही होगा। जी टू तो उसको चेक करके रिपेयर करेगा, अगर रिपेयर के लायक है तो फिर रिपेयर करके उसको एम में भेज देगा, रिपेयर के लायक नहीं है तो उसकी प्रोग्राम्ड सेल डेथ करके उसको खत्म कर देता है। ठीक है, क्लियर हो गया, चलिए गुड है, सबको समझ में आ गया। अरेस्टेड का मतलब हुआ कि रुक जाएगा, सेल कहां पर जाके रुक जाएगा, तो जीवन के अंदर वो रुक जाएगा, ठीक है, आगे डिवीजन के लिए नहीं जाएगा। गुड, समझ में आ गया आप सभी को, मूव करते हैं नेक्स्ट पे। इन द सोमैटिक सेल साइकिल, सोमैटिक सेल साइकिल के दौरान क्या होता है, जल्दी बताओ, सोमैटिक सेल साइकिल के दौरान क्या होता है। यस अनिका, अरेस्टेड का मतलब बता दिया है, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अरेस्टेड का मतलब बता दिया कि सेल वहां पर रुक जाएगा जीवन में, वो आगे डिवीजन के लिए नहीं जाएगा, क्लियर है सबको। चलिए आंसर आने लगा, सेकंड ऑप्शन अंकित एंड नादिर इज सेइंग, ओके, बाकी सारे बच्चे जल्दी आंसर करो, ये सिंपल क्वेश्चन है। नंदिनी सिंह बी ऑप्शन, शीतल सिंह ए ऑप्शन, पलक बी ऑप्शन, कुलदीप सेकंड ऑप्शन, विक्रांत सेकंड ऑप्शन, बहुत बढ़िया, राजीव रंजन बी ऑप्शन, सिमरन गौर बी ऑप्शन, यू आर लार्ड बी ऑप्शन, ओके, नित्या सैनी ए ऑप्शन, श्वेता बी ऑप्शन, चलिए बी ऑप्शन ज्यादातर बच्चे बोल रहे हैं और कुछ बच्चे ए ऑप्शन भी बोल रहे हैं, देखते हैं क्या कह रहे हैं सोमैटिक सेल साइकिल के दौरान। देखो पहला क्या कह रहा है, जीवन फेज में डीएनए कंटेंट डबल हो जाता है, द अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन द ओरिजिनल सेल। क्या जीवन फेज के दौरान डीएनए का अमाउंट डबल होता था, नहीं, वहां पे तो डबल नहीं होता था ना, वहां पे तो जो इनिशियल अमाउंट है वही रहता था, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया ना, ये ऑप्शन तो गलत है। नेक्स्ट, जी टू फेज इज फॉलोड बाय माइटोटिक फेज, जी टू फेज इज फॉलोड बाय माइटोटिक फेज, यानी कि जी टू फेज के बाद माइटोटिक फेज आता है, ये देखेंगे हम यहां पर, ठीक है। अ शॉर्ट इंटरफेज इज फॉलोड बाय अ लॉन्ग माइटोटिक फेज, तो फोर्थ ऑप्शन को तो अभी रहने दो, थर्ड ऑप्शन पे आ गए। अ शॉर्ट इंटरफेज इज फॉलोड बाय लॉन्ग माइटोटिक फेज, याद करो सेल साइकिल में लॉन्ग तो इंटरफेज होता है, ये तो शॉर्ट होता है, आपको पता है कि 95% ड्यूरेशन जो सेल साइकिल का वो इंटरफेज में जाता है, और ये तो बहुत कम टाइम में हो जाता है, यानी ह्यूमंस में बात करें तो 24 आवर्स के साइकिल में 23 आवर्स तो इंटरफेज में लगता है और 1 आवर ही तो यहां लगता था, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन एस फेज, डीएनए का रेप्लिकेशन तो एस फेज में होता ही है, तो ये भी स्टेटमेंट सही लग रहा। जी टू फेज इज फॉलोड बाई माइटोटिक फेज,
देखो इस स्टेटमेंट को समझना, ये कह रहा है जी टू फेज इज फॉलोड बाय माइटोटिक फेज, यानी माइटोटिक फेज जी टू फेज जो है वो फॉलोड किससे हो रहा है, माइटोटिक फेज से हो रहा है। तो इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा इंग्लिश की ग्रामेटिकल मिस्टेक अगर लग रही है तो वो हो सकती है। अगर इस स्टेटमेंट को ऐसा बोला जाए कि जी टू फेज, अगर यहाँ पे ये बोला जाता कि एम फेज इज फॉलोड बाय जी टू फेज, तो एम फेज इज फॉलोड बाय जी टू फेज का मतलब क्या हुआ कि जी टू फेज पहले हो रहा है और एम फेज बाद हो रहा है। लेकिन यहाँ पे इसने कहा है तो ये स्टेटमेंट भी लगभग सही लग रहा है और ये भी स्टेटमेंट सही लग रहा है। तो यहाँ पे दो आंसर्स आपके सही हो रहे हैं, ठीक है। तो डी को रॉन्ग भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कह रहा है जी फेज इज फॉलोड बाय माइटोटिक फेज, तो ये तो बिल्कुल सही है कि जी फेज जो होती है, जी टू फेज जो होती है वो माइटोटिक फेज से पहले ही तो होती है, जी टू फेज माइटोटिक फेज से तो पहले ही होती है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आपके करेक्ट हो गए, एक तो डीएनए रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन एस फेज, ये भी सही है, और ये भी ऑप्शन सही है, दैट इज की फोर्थ ऑप्शन भी सही है, ठीक है। ओके सर, आप 12th का के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हो क्या? नहीं, मैं आपको फुल ऑन नीट के लिए, बोर्ड्स के लिए, सबके लिए पढ़ा रहा हूँ। अभी तो ये चैप्टर हमारी 11th वाली है, दैट इज तो नीट की प्रिपरेशन जो बच्चे कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है चैप्टर, ठीक है। क्लियर हो गया ये पॉइंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ सेल साइकिल इज, यस नन्नी करेक्ट, एम फेज फॉलोड बाय जी टू फेज, ये स्टेटमेंट रॉन्ग होना होगा अगर एम फेज ये स्टेटमेंट रहता तो। चलिए हाँ बिल्कुल, मोस्ट सुटेबल सिलेक्ट करेंगे, बिल्कुल अप्रोप्रिएट ज्यादा सिलेक्ट करेंगे। ओके मोस्ट एक्टिव, हाँ डी भी वहां पे करेक्ट था नन्नी, वो वहां पे थोड़ा सा वो मिस्टेक था, उसको प्रॉपर तरीके से अरेंज नहीं किया गया था। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करो अब, मोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ सेल साइकिल इज, ओके आंसर हैज स्टार्टेड कमिंग, फोर्थ फोर्थ फोर्थ, कुलदीप इज सेइंग फर्स्ट ऑप्शन, मनीष मनीषा सिंधे इज सेइंग फर्स्ट ऑप्शन, ओके बाकी सारे बच्चे फोर्थ ऑप्शन, शीतल भोसले ए ऑप्शन, मैग्नेटो स्पोर्ट्स सेइंग सर बिगेस्ट फैन, थैंक यू फॉर दैट, ओके तो क्लासेस करा करो रेगुलर, ओके फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, चलिए बहुत बढ़िया, यस ये तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है, तो इसको तो आपको मिस्टेक करना ही नहीं था, ठीक है। इसने पूछा आपसे मोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ सेल साइकिल, तो मोस्ट एक्टिव स्टेज ऑफ सेल साइकिल तो इंटरफेज ही है, नहीं भी तो मैंने 100 बार बोल दिया ये लाइन कि मोस्ट एक्टिव स्टेज कौन सा होगा, इंटरफेज होगा, इसमें किसी तरह का कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए, इसमें तो गलती होने की चांस ही नहीं थी, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो बिल्कुल गलत करने का जरूरत नहीं था आपको। चलो मूव करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, ये सारे बच्चों का सही होना चाहिए, इसमें किसी का कोई गलत नहीं होना चाहिए, यस इंटरफेज इज द करेक्ट आंसर, सबका आंसर सही था। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ड्यूरिंग सेल साइकिल आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग सेल साइकिल आरएनए एंड प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस, किस समय आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है? ओके जयशंकर मिश्रा इज सेइंग सेकंड ऑप्शन, राजीव इज सेइंग ए ऑप्शन, जयशंकर मिश्रा इज सेइंग सेकंड ऑप्शन, हर्षाली इज सेइंग फर्स्ट ऑप्शन, राजीव ए ऑप्शन, स्टाइलियन लवली ब्यूटी सेकंड ऑप्शन, हर्षाली फर्स्ट, रश्मि फर्स्ट, नादिर सिंह एस एस, ओके गुड, नित्या सैनी सेकंड ऑप्शन, बहुत अच्छा सेकंड ऑप्शन ए ऑप्शन, तुबा फातिमा ए ऑप्शन, ओके एस फेज। देखो बहुत सिंपल सा है, आप सभी को याद हो तो ड्यूरिंग सेल साइकिल आरएनए का और प्रोटीन सिंथेसिस का, कल का लेक्चर अगर आपको याद होगा तो कल के लेक्चर में मैंने बताया था कि आरएनए का सिंथेसिस जीवन फेज में होता है और जो प्रोटीन्स हैं वो भी कहाँ बन रहे हैं, जीवन फेज के अंदर। फिर जब हम G2 में पहुंचे तो हमने कहा था कि G2 भी वो सारी चीजें बनाएगा जो कि माइटोसिस के लिए रिक्वायर्ड होगा, यानी कि माइटोसिस कराने के लिए जो रिक्वायर्ड होगा वो वहां पे बनेगा। एस फेज के दौरान तो डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा था और हिस्टोन प्रोटीन बन रहा था, वहां भी प्रोटीन बन रहा है एस फेज के दौरान, लेकिन वो हिस्टोन प्रोटीन बन रहा था। आरएनए और जो प्रोटीन्स बनते हैं वो कहां पे बनते हैं, वो बनते हैं जीवन के दौरान और G2 के दौरान। तो ये जो चार ऑप्शंस थे इसमें से एक ही ऑप्शन था जो यह बात बता रहा है, जीवन एंड G2 फेज, सो द जीवन एंड G2 फेज इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो समझ में आ गया सबको, सबको क्लियर हो गया, तो जिन लोगों ने फर्स्ट ऑप्शन कहा था उनका आंसर बिल्कुल सही है। आई होप सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई है, सब कुछ क्लियर हो गया है। तो जिन बच्चों ने सेशन में आज क्लास किया उनके लिए ये पूरी चीज़ें कंटेंट कंप्लीट हो गई, यहाँ तक चीज़ें आपने पढ़ लिया और मेरे ख्याल से आपको याद हो गया। तो सेशन अगर पसंद आता है तो सेशन को लाइक करो, शेयर करो, शेयर मैक्सिमम करो अपने फ्रेंड्स के साथ, और साथ के साथ कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि हाउ मच यू हैव एंजॉयड द सेशन, आप कितना अच्छा से पढ़े हो और कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि आप और पढ़ना चाहते हो, ऐसे सेशन आप चाहते हो जिनके लिए, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर थोड़ी सी एक्टिविटी बढ़ाओ और कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर बताया करो। थैंक यू फॉर दैट, ओके तो थैंक यू एवरीवन, कीप स्टडिंग, कल फिर हम मिलेंगे इसी टाइम पर, सेम चैनल ई करियर पर नीट चैनल, एंड द टाइम विल बी 11 AM, लेक्चर नंबर 4 है सेल साइकिल का,
जहां पे हम मेटाफेज पढ़ेंगे, एनाफेज पढ़ेंगे और टेलोफेज पढ़ेंगे। तो आई होप आप सारे बच्चे कल भी ज्वाइन करोगे और वहां पे क्लियर रहेंगे। आशीष सिंह सर, लास्ट क्वेश्चन समझ में नहीं आया। लास्ट क्वेश्चन में है कि ड्यूरिंग सेल साइकिल आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस कहां होता है। तो आशीष आप क्या करना, लेक्चर नंबर 2 जरूर देखना। तो लेक्चर नंबर 2 में आपको वहां पे लाइन मिल जाएगी कि आरएनए का सिंथेसिस और प्रोटीन की सिंथेसिस G1 और G2 स्टेज में होता है। तो लेक्चर नंबर 2 जरूर जाके आज ही देख लो प्लेलिस्ट के अंदर, ठीक है। ओके, थैंक यू। नाउ थैंक यू। अब आप चीजें पढ़ाई करो, एनसीईआरटी से पढ़ो, आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। बाय बाय।